तो बुलेटिन में आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल घाट पर मौजूद हैं, पूजा अर्चना चल रही है, गंगा की आरती इस वक्त की जा रही है, तस्वीरें सीधे आपके सामने। आज गंगा यात्रा का समापन कानपुर के इसी अटल घाट पर होना है, मुख्यमंत्री का संबोधन भी होना है, सभा को संबोधित भी करेंगे, लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना इस वक्त माँ गंगा की चल रही है। तो अटल घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। इस यात्रा का मकसद बहुत कुछ है, इसका आध्यात्मिक मकसद भी है, इसका राजनीतिक मकसद भी है, विकास से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। गंगा को श्रद्धा आस्था के साथ तो जोड़ा जाता है, लेकिन अब आर्थिकी से भी जोड़ा जाएगा, ये मकसद है सरकार का। और आज इसका समापन हो रहा है कानपुर से। आप NDRF के दस्ते को देखेंगे, वो पूरी तरह से तैयार है कि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए वो पहले से तैयार वहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री को आप देखेंगे, वहाँ पर पूजा आरती की गई है, अभी भी वहाँ पर वो तैयार हैं। आज बड़ी संख्या में लोग अटल घाट पर पहुँचे हुए हैं और स्वच्छ गंगा की एक तस्वीर यहाँ से नजर आ रही है। तो अटल घाट की ये तस्वीरें, और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को भी संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियां भी खासी की गई हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री अटल घाट पर हैं, उसके बाद जब सभा को संबोधित करेंगे उसके बाद गंगा यात्रा समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।